नमस्कार, जी चिल्स पर आपका स्वागत है। क्या भारत के बिना कोई वैल्यू नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की? आखिर क्यों होना चाहिए यूएनएससी में बदलाव? क्या फर्क है 1950 के संयुक्त राष्ट्र और आज के संयुक्त राष्ट्र में? क्या G20 की अध्यक्षता ने मजबूर कर दिया है यूएनएससी को? दोस्तों, अब G20 सम्मेलन शुरू होने में बस 3 ही दिन बाकी है। भारत की तरफ से लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन इस बार की तैयारी से पहले और जिस तरह इस बार पहली बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उसको लेकर ग्लोबल मीडिया समेत भारत की काफी बातें चल रही है। भारत को एक आम देश के तौर पर न देखकर भारत को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आप भी कई दिनों से G20 की खबरें सुन रहे हैं और ये देख और समझ पा रहे होंगे कि इस बार की अध्यक्षता में ऐसा लग रहा है जैसे भारत से मिलने सारे देश आ रहे हैं, जैसे किसी लीडर ने उनको अपने यहां बुलाया है। और यह बात सच भी है, क्योंकि भारत ने इस बार बड़ा दिल दिखाते हुए अपने कई पड़ोसी देशों को, जो इस G20 संगठन का सदस्य नहीं है, उनको भी निमंत्रण भेजकर आमंत्रित किया है। और यही भारत का बड़ापन है। दोस्तों, G20 एक ऐसा बड़ा मंच है जहां पर 19 देश तथा IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ तक आकर आपस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं और विभिन्न देशों में चल रहे संकटों को सुलझाने और ग्लोबल इशू को टैकल करने में अपने मत रखते हैं। अब दोस्तों, कौन सा ऐसा देश नहीं चाहेगा कि वह इस संगठन का सदस्य ना हो? हर कोई चाहता है, लेकिन अभी इसका विस्तार नहीं किया गया और यहां पर विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बुलाया जाता है। अब चूंकि भारत के कई देशों से काफी अच्छे संबंध है और भारत ने एक अध्यक्ष के रूप में इस बार काफी अच्छी तरह से मेहमानों की मेहमान नवाजी का इंतजाम कर रखा है, इसलिए भारत ने अपने उन अच्छे मित्र देशों को भी निमंत्रण देकर इस G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया। यह देश है मिस्र, बांग्लादेश, UAE, नीदरलैंड, स्पेन, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान और सिंगापुर। लेकिन दोस्तों, भारत की इसी लीडरशिप की जहां पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, वहीं इस बार फिर ग्लोबल मीडिया में और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट में फिर से यह मुद्दा उठने लगा है कि जिस तरह से भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, क्या यूएनएससी इस बात को नोटिस कर रहा है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए? अब दोस्तों, इस पर यूएनएससी और परमानेंट 5 सदस्यों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने G20 की मीटिंग से पहले हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुनकर अब यूएनएससी को घबराहट हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपने बेबाक बयान और बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं और वे अपने दुश्मनों को साफ तौर पर और क्लियर भाषा में जवाब देते हैं। अब दोस्तों, हाल ही में G20 को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसकी थीम थी G20 प्रेसिडेंसी एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, मतलब इसमें साफ तौर पर भारत की अध्यक्ष और इसका विश्व स्तर पर जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करना उद्देश्य था। अब क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह प्रोग्राम भारत की विदेश नीति पर था, ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। इसी प्रोग्राम के दौरान भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूएनएससी रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया और परमानेंट 5 सदस्यीय देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन पर सवाल खड़े किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की परमानेंट मेंबरशिप से भारत को बाहर रखना और भारत को एंट्री न देना, ऐसा करने से यूएनएससी और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और दुनिया के अन्य देश इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, सदस्यता भारत को होनी चाहिए, तो भारत को अगर नहीं मिली तो दूसरे देश क्यों नाराज हो जाएंगे? तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि भारत चूंकि एशिया और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और भारत की इमेज हमेशा से दूसरे देशों की मदद करने की रही है। ऐसा कई बार हुआ है कि भारत ने WTO, WHO और UNSC में कई देशों जैसे साउथ ईस्ट एशिया देशों की मांग को सपोर्ट किया और नॉन परमानेंट सदस्य रहते हुए कई बार प्रस्ताव तक लाया है और उसे पास कराया है।
इतना ही नहीं, पूरी दुनिया अफ्रीकी महाद्वीप और वहां स्थित देशों और उनकी अंतर्राष्ट्रीय मांगों को नकारती है, उनको अनदेखा करती है। लेकिन कोविड टाइम पर भारत ने और साउथ अफ्रीका ने ही वैक्सीन के पेटेंट को लेकर उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। तब भारत ने UNSC में कहा था, अगर इस महामारी के समय हम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पेटेंट दे देंगे तो कई हजारों लाखों लोगों की जानें चली जाएगी, क्योंकि वे इतने महंगे वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्री। इसके बाद अमेरिका भी भारत की इस बात पर राजी हुआ और कंपनियों को वैक्सीन के पेटेंट देने से मना कर दिया। यही कारण है कि एशियन कंट्री में चीन को छोड़कर अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका समेत भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सभी देश समर्थन देते हैं। इसी वजह से अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर देश भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखते हैं। अगर भारत जैसे देश को जैसे ही यूएनएससी में परमानेंट मेंबर का दर्जा नहीं मिला तो इन देशों का विश्वास इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उठ जाएगा और भारत समेत ये भी फिर इनकी बातों को मानना छोड़ देंगे, फिर अपने आप इनका वजूद खत्म हो जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, ऐसे जयशंकर जी ने आगे कहा, समय के साथ संगठनों में बदलाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1940 में जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था वर्ल्ड वार टू के बाद, तब उस समय इसके कुल 50 सदस्य देश थे और इनमें से कुछ देशों ने आपस में खुद को परमानेंट मेंबर चुन लिया। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन में कुल देशों की संख्या 200 के पार हो चुकी है और आज कई परिस्थितियां बदल चुकी है, कई देशों का पतन हो चुका है, कई नए देश उभरे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ऐसे में भारत को यूएनएससी के द्वारा इग्नोर करना ठीक नहीं है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने आगे कहा, आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता तब आई है जब आज भारत दुनिया में और भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, और भी ज्यादा मजबूत है, और आज भारत की छवि पूरी दुनिया में ऐसी बनी हुई है कि आज पूरी दुनिया में भारत ग्लोबल टैलेंट पूल के लिए काफी इंपोर्टेंट बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता इसलिए भी आई है क्योंकि भारत के पास जो दुनिया भर के देशों की मदद करने की कैपेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वह भारत ने पूरी तरह से निभाई है। दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर UN में भारत की प्रवक्ता रुचिरा कंबोज, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी UNSC में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर आवाजें उठाते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस पर किसी भी तरह की कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, एक खबर बीच में आई थी कि UNSC सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है, जहां परमानेंट मेंबर की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 से 25 कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर एक गेम ये खेला जा रहा है कि UNSC में भारत समेत अन्य 4 देशों को परमानेंट मेंबर तो बना दिया जाएगा, लेकिन उनको पुराने 5 परमानेंट मेंबर की तरह वीटो पावर नहीं दी जाएगी। लेकिन UNSC में वीटो पावर का खेल इतना बड़ा है कि भारत भी इसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिना वीटो पावर के वह परमानेंट मेंबरशिप नहीं लेगा। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।